हाय गाइस बेटा, कभी आप लोगों ने अपने क्लोथ्स सिलवाए हैं? बेटा रेडीमेड नहीं, वो जो अपन टेलर का जाके रीडिंग वीडिंग लेता है, वो अपना मेजरमेंट लेता है, फिर अपन सिलवाते हैं, वैसा किया है क्या? देखो क्या होता है ना, अपने बॉडी का मेजरमेंट वगैरह लेता है, वो लिखता है, फिर आपको बताता है आपको अप्रोक्सीमेटली कितना कपड़ा लगने वाला है। ठीक है, तो मान लो आपकी रीडिंग लिया उसने और कुछ तो भी कैलकुलेशन, मुझे पता नहीं क्या कैलकुलेशन करते हैं, उसने बोल दिया आपको, मे बी रैंडम डेटा दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं, 40 मीटर स्क्वायर का कपड़ा चाहिए। चलो ठीक है, अब कपड़ा अपन खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब अपन गए एक दुकान में जहाँ पे आपको कपड़ा मिलता था वाला। ठीक है, अब जो बेटा सेल्स पर्सन रहता है वो क्या करता है, उसे खूब सारे से रॉड में गोल 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 गूंदे हुए कपड़े रहते हैं, एक एक निकाल निकाल के निकाल निकाल के रखता है, खोलता है लंबा सा, फिर आप छूते हो, कलर वलर देखते हो, टेक्स्चर देखते हो, उसका हर चीज़ देखते हो, फिर डिसाइड करते हो। यानी कहता था कुछ, देखो वैसा रॉड रहता है, उसके ऊपर खूब सारा कपड़ा ऐसा रहता है, इसके ऊपर ऐसा गोल 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 कपड़ा रहता है, वो खींचता है ऐसा और वो कपड़ा दिखाता है ये, फिर आप एक कपड़े को देखते हो। चलो ठीक है, मान लो ये रॉड है कितनी मोटी, बड़ी लंबी, 2 मीटर की है, आपने कपड़ा डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया मुझे ये कपड़ा चाहिए है, तब आप कितना लेंथ लोगे इसका? बेटा आपको 40 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए था, तो इसका भी 40 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, तो आप कितना लेंथ ले लोगे बेटा? आप लोगे 20 मीटर का लेंथ, तो आपका एरिया 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में ना जो 40 मीटर स्क्वायर है ना, ये एग्जैक्ट उसे 40 मीटर स्क्वायर का एरिया नहीं चाहिए होगा कपड़े के, कई बार काटा पीटी करते हैं, वेस्टेज वगैरह भी बहुत होता है, तो अपना ये जो टेलर है भैया, ये वाले टेलर भैया जो है, जिन्होंने हमें 40 मीटर स्क्वायर बताया था, उन्होंने वेस्टेज दिमाग में रखा है कि हाँ मुझसे काटते पीटते समय इतना वेस्ट होगा, और प्लस वो चाहते नहीं कम पड़ जाए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही मंगाता है। मे बी उसे 18 मीटर लंबा यानी 36 मीटर स्क्वायर का एरिया भी चल जाता था, आप 18 मीटर लंबा भी लेते तो भी, अगर उसने एक्यूरेटली बिल्कुल एक बूंदी भी वेस्ट नहीं किया होता तो भी चल जाता था, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने से बुलवाता है। ये सब चीज़ें आपको पता है ना? चलिए बढ़िया, कुछ तो भी इसके आसपास में ही अपन लोग ये क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, कंसेप्ट के पास पास में। तो क्या है क्वेश्चन बेटा? देखो अपने कल जो क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट ये एंड बेस रेडियस ये। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये भी छोड़ो, अपने को क्या मिल गया बेटा, हाइट मिल गया 8 मीटर और रेडियस मिल गया 6 मीटर, अपन स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, अपने को क्या बनाना है, कोन बनाना है। तो बेटा देखो प्लीज़ एक चीज़ समझ लो आप लोग, आपको अगर कोन बनाना है तो आप लोगों को कोन आई मीन उसे टेंट बनाना है बेटा, कहा गया टार्पोलिन वुड बी कोनिकल टेंट, टेंट बनाना है, तो आपको सोचना नहीं कि बेस वेस चाहिए रहेगा, हमसे CSA निकालने वाले हैं, ठीक है ना? तो बेटा मैं सजेशन ये, एक बार पॉज करो आप लोग सिर्फ, और CSA निकाल के रख लो मेरे लिए प्लीज़। और देखो वैसे पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 यूज़ करने के लिए, तो उसके हिसाब से निकालिएगा। चलिए अपन देखते हैं अपना क्या दिया हुआ है बेटा, अपने को रेडियस दिया है, हाइट दिया, आई थिंक रेडियस है 6 मीटर, हाइट है 8 मीटर, तो L² = h² + r² CSA में L की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तो आप निकालोगे तो L की वैल्यू 10 मीटर आने वाली है। पहले देखते हैं रेडियस हाइट से ही निकाले ना अपने, आम 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 रेडियस इतना है बच्चा लोग, इसका मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, रेडियस है 6। ठीक है, अब मुझे CSA निकालना था, CSA क्या होता है, πrL होता है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 यानी 314/100, रेडियस है 6, नॉन हाइट है बट अपना 10, ये इससे कटा, अब 314 × 6 किया, 6 × 24 + 2 ये हो गया 8, ये हो गया 18, तो बच्चा लोग ये हो गया 1884/10 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अपने को इतना एरिया चाहिए है, तो पहले याद है अपन टेलर के पास जो गए थे, उसने जब कैलकुलेट करके 40 मीटर स्क्वायर बताया था, वैसे अपन ने अपने घर बैठे बैठे जो अपने को टेंट बनाना है उसका एरिया कैलकुलेट इतना किया है। तो देखो ये जो टेंट का एरिया होने वाला है वही एरिया अपने कपड़े का होने वाला है ये, ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया अभी, एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ टेंट कितना है बट अपना 1884/10 इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो वो फर्स्ट स्टेटमेंट अब थोड़ा समझ में आएगा, 3 मीटर वाइड अपना कितना मीटर वाइड था, अपना 2 मीटर वाइड कपड़ा था, यहाँ पे कितना मीटर वाइड है बेटा कपड़ा, यहाँ पे देखिए हाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड टारपोलिन का कपड़ा, मतलब अपने को ये अपने को दिया हुआ है ये लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर, ये ब्रेथ विड्थ ने 3 मीटर है ना, वाइड बोल रहा हूँ, तो ब्रेथ 3 मीटर दी हुई है मुझे, यहाँ की लेंथ कितनी चाहिए वो पूछा है मुझे, तो
ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, मतलब 1884/10 इज इक्वल टू, लेंथ तो पता नहीं है, ब्रेथ है मेरी 3, अब यहाँ से तो मुझे लेंथ मिल जाएगी। देखो लेंथ इज इक्वल टू 1884/3, और वो आगे 10 के लिए एक जीरो भी था ही मेरा, इंटू 10, ये 1 रहा, ये 628। तो आंसर कितना हो गया, लेंथ इज इक्वल टू 62.8 मीटर। समझा आपको? बट अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अबे जब टेलर को इतनी ज़्यादा काटा पीटी करना वेस्टेज हो जाता है, तो आप कौन से खेत की मूली हो? अगर आप घर पे भी बना रहे हो तो वेस्टेज तो होना ही है। तो इसीलिए उसी ने पहले ही बता दिया क्वेश्चन के अंदर कि जो वेस्टेज वगैरह होगा ना, इसके लिए आप लोगों को 20 सेंटीमीटर लेंथ एक्स्ट्रा लगने वाली है। तो देखिए, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज एंड कटिंग कुटिंग, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके आना। तो अपने अपने को कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी अपने को, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड क्या रहेगा मेरा, ये एल जो था वो जो मेरा कैलकुलेशन था प्लस 20 सेंटीमीटर, ये मेरा वेस्टेज के लिए एक्स्ट्रा। देखिए ये यहाँ से अपन इतना एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर का, ठीक है? तो वो कितना जाएगा, ये 62.8 मीटर है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, मतलब आंसर 63 मीटर। समझा? तो देखो बेसिकली क्या है ना, एक्चुअल में ये इतना कपड़ा जो है, अगर मैं कुछ वेस्टेज नहीं करूँगा तो लगेगा, बट इतना वेस्टेज तो कटिंग स्टिचिंग वगैरह में होता ही है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेंथ कितना मुझे लेने का है, 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर का लेना है। जब मेरा एग्जैक्ट में लेंथ आ रहा है कितना, 62.8, और एक्स्ट्रा का जो वेस्टेज वगैरह हो रहा है उसमें कितना था, 0.2 मीटर्स का, दोनों को ऐड करूँगा 63 मीटर्स की लेंथ का कपड़ा मुझे लेने जाना पड़ेगा। समझाए क्या हुआ है? पक्का? तो बेटा अब ये आगे का पॉज करके आप सॉल्व कर लो अब। चलिए ग्रेट, यहाँ पे ये एक्सरसाइज की एनसीईआरटी खत्म होती है। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, आपसे खुद से हो जाएगा फटाफट। द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:7, इफ द CSS 492, फाइंड द रेडियस। कर लोगे? चलो पॉज करो बच्चा और सॉल्व करो इसको। देखिए, लेट रेडियस इक्वल टू 4x, तो मेरा स्लांट हाइट यानी एल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 7x। सी एस ए का फॉर्मूला कितना है, पाई आर एल, सी एस ए कितना दिया है 792 इज इक्वल टू पाई, रेडियस है 4x, स्लांट हाइट है 7x, ये इससे कट गया, 792/4×22 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर हो गया बेटा मेरा। अब देखो ये बेटा मैं पहले 2 से काट रहा हूँ, ये हुआ 11 सा, ये हो गया बेटा 396 सा, ये 1 सा काटा, ये हो जाएगा कितना, 4 से काट रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, 99 सा हो रहा है बेटा, ये 1 सा, ये 9 सा, एक्स स्क्वायर के लिए 9 था, एक्स के लिए 3 आ जाएगी। तो इम्प्लाइज मेरा रेडियस कितना था बच्चा लोग, मेरा रेडियस रेडियस 4x था, तो रेडियस मेरा 12 सेंटीमीटर, मीटर क्या चलता है यहाँ पे भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर था, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन नियरली हर इसमें मैंने रेशियो वाले देखे, वही चीज़ है, ठीक है? चलिए पॉज कीजिए बच्चा, अगर नहीं हुआ था मैच तो सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ सिंपल वन, देखिए इसमें सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस आपको 44 मीटर दिया है। न्यू तरीका जिससे हम रेडियस निकालेंगे, कुछ नहीं, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन क्या है, 2 पाई आर की वाली 44 दिए, जैसे आप आर निकाल लोगे। अब देखो वही, फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवस यूज इन मेकिंग द टेंट इफ द विड्थ ऑफ द कैनवस इफ द विड्थ ऑफ द कैनवस इज 2 मीटर। यहाँ पे वेस्टेज वगैरह कंसिडर नहीं करने बोला है उसने, होता है कभी कभी बोलता है वेस्टेज कंसिडर मत करो, या तो बहुत बढ़िया वाले टेलर का ले जा रहे होगे, तो आपको वही यहाँ का एरिया इज इक्वल टू ये इसका एरिया ऐसा करना पड़ेगा। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा दिया है उससे आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, आपको हाइट पता है तो आपको स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा, वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है ना? बेटा ट्राई करो, नाइस क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो पॉज करो और करो सॉल्व इसको एक बार। देखिए अपने को हाइट इक्वल टू 10 दिया गया है, अब उसके बाद में 2 पाई आर की वैल्यू 44, यानी 2 22/7×r की वैल्यू 44 है, तो बेसिकली मेरी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा लोग, मेरे r की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। और मुझे लग रही है कुछ गलती है इसके अंदर, इसमें हाँ, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ 10 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 44 मीटर। एक सेकंड गाइस, एक बार आप लोग पॉज कीजिए, मुझे एक बार क्वेश्चन देखने दीजिए, गलती कहाँ पे कर दी मैंने क्वेश्चन लिखने में।
गाइस गलती नहीं है, एक्चुअल में थोड़ा सा कैलकुलेशन बोर वाला है क्वेश्चन, तो कम होता है ऐसा है। चलिए ठीक है, अपने को एच और एल पता है, एच और आर, तो अपने एल निकाला, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा, तो एल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 149 हो जाएगी। एक्चुअली 149 ना परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसलिए मैं देख रहा था क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं की मैंने कॉपी करने में। अब देखो, अब मुझे निकालना पड़ेगा बेटा अंडर रूट, ठीक है ना। मैं एक डेसिमल तक का ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। 3 3 9, अच्छा तो सॉरी, ये देखो ये है ये, और ये कैसा पे मतलब 1 1 ज़ा 1 0, फिर ये 49 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे +1, ये 2, डब्बा डब्बा 22, 2 ज़ा ये 44 हो जाएगा, यहाँ पे चलेगा 5। एक डेसिमल तक के निकाल रहा हूँ बेटा मैं, ये +2 ये 24 हुआ, डब्बा डेसिमल का डब्बा 243, 3 ज़ा लंबा चल जाएगा इससे, तो ये 2 ज़ा करूँगा मैं, -484, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये एल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई बेटा मेरी, 12.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवस यूज्ड, तो पहले सी एस ए निकालना पड़ेगा मुझे। सी एस ए कितना जाएगा था, पाई आर एल मतलब पाई, रेडियस कितना बचा मेरा 7 था, और स्लांट हाइट कितना बचा मेरा 12.2 है, 122/10 ये इससे कटा, 122, 22 था, 442, 442 ये 4862 कितना रहता है, 2684/10 मीटर स्क्वायर का मेरा एक्चुअली एरिया हो रहा है, बट मुझे लेंथ चाहिए है जो कि विड्थ कितना सा 2 मीटर है। तो देखिए, सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवस, सी एस ए ऑफ कोन कितना है, 2684/10 इज इक्वल्स टू उसका लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 2684/10 इज इक्वल टू बेटा मेरा लेंथ और ब्रेथ कितना हो रहा है बच्चा, लेंथ दिया हुआ है, नहीं लेंथ नहीं दिया है, ब्रेथ मेरा 2 दिया है, तो इम्प्लाइज लेंथ की वैल्यू कितनी रहेगी मेरी, 1342/10 विच इज इक्वल्स टू 134.2 मीटर। खत्म, इतना लंबा मुझे कैनवस की ज़रूरत पड़ने वाली है। समझा गई वाला, आगे का भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बोर है बट ठीक है। चलो पॉज करो बच्चे, इसको सॉल्व कर लो आप लोग। चलिए बेटा, आई होप आपको अंडर रूट वगैरह निकालने आते हैं, अपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अ नाइस क्वेश्चन, सिंपल सा है वैसे। देखिए भाई, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन, तो ऐसा कैसे बेटा होगा, कोई डायमेंशन अलग अलग होगा। इफ रेडियस ऑफ टू आर इक्वल, ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू स्लांट हाइट ऑफ कोन। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, पॉज करो और ट्राई करो बेटा एक बार इसको। देखिए अपने वो क्या दिया हुआ है, एक है सिलेंडर, एक है कौन, दोनों का बेटा मैं रेडियस मान लेता हूँ आर, ये इक्वल दिया गया था, यहाँ पे मुझे हाइट की जरूरत पड़ने वाली है, इसका हाइट एच है, इसकी जरूरत ही नहीं मुझे हाइट की, कौन की। अब स्लांट हाइट यहाँ पे होता ही नहीं, यहाँ पे एल हो गया, तो सी एस ए कितना हो गया बेटा मेरे पे, 2π r h हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, पाई आर एल हो गया। अब देखो दोनों के सी एस ए अगर इक्वल है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन मुझे दिया गया, तो सी एस ए सिलेंडर क्या होगा, 2π r h इज इक्वल यहाँ का पाए आर एल, देखो दोनों के आर भी इक्वल थे, तो ये 2r यहाँ से कट गया मेरा, अरे पाए आर यहाँ से कट गया मेरा, मुझे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू स्लांट हाइट ऑफ कोन चाहिए था, तो वो इज इक्वल टू 1/2 हो गया। देखो ये इधर उधर किया, तो बेसिकली एच इज टू एल की वैल्यू कितनी होगी, 1:2। समझा गया इसे क्या हुआ है, हाँ श्योर। चलो पॉज करो और सॉल्व करो बेटा इसको, सिंपल क्वेश्चन है, फ्री फंड के मार्क्स वाला ये भी। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो 4:3, द एरिया ऑफ बेस इज 154, फाइंड द सी एस ऑफ द कोन। अगेन जम जाएंगे आप लोगों को, चलो पॉज करो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस से आप पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 कर, पहले रेडियस निकालो, फिर उससे हाइट निकाल दो रेशियो 4:3 से, फिर स्लांट हाइट निकालो, फिर सी एस ए निकाल लो। देखिए लेट रेडियस बी इक्वल्स टू अपना 4x हो रहा है, तो अपना हाइट की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे 3x हो जाएगी, और देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे 154 दी गई है, ठीक है, तो 22/7 इंटू रेडियस पे 4x है, तो उसका स्क्वायर 154 हो जाएगी बेटा मेरी,
तो मेरा हो जाएगा 22/7 × 16x² = 154। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो रही है 154 × 7/22 × 16, ये 1 था ये 7 था हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 49/16। तो इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे लोग, मेरी 7/4 हो गई है, मेरे एक्स की वैल्यू आ गई है। तो बेटा देखो मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस था मेरा 4x, 4x से काम कितना हो जाएगा बेटा, ये 7 हो जाएगा। मेरा स्लांट हाइट नहीं थी, मुझे हाइट दी गई थी 3x, हाइट 3x दी गई थी, तो उससे निकाला बेटा 21/4 आएगा। अब मुझे स्लांट हाइट निकालना है ना, तो देखो मैं L² = H² + R² ही कर रहा हूँ। देखो मैं x के टर्म से पहले निकाल देता हूँ, ज़्यादा ईजी पड़ रहा है, क्योंकि (3x² + 4x²² इसको खोलोगे तो 25x² होगा, तो L की वैल्यू 5x आ जाएगी। तो इम्प्रेस L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/4 × 5, मतलब 35/4 आ जाएगी। इतने मीटर था, सेंटीमीटर था भाई, सेंटीमीटर था। देखो मैंने जान पूछे ना, मेरे को दिख रहा था 3 4 5 वाला पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होता ना, उसलिए मैंने वो एक्स के टर्म से निकाल दिया फिर डाला। आप चाहते ना तो आप लोग ये 27 और 21/4 से भी निकाल सकते, उससे भी 35/4 ही आता था, बट मैंने स्मार्टली ऐसा कर लिया। चलो अब ये हो गया मेरा स्लांट हाइट। अब मुझे क्या चाहिए था आगे क्वेश्चन का, CSA चाहिए। अब तो क्या बचा है, CSA = πRL, मतलब 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ बच्चा मुझे 7, और स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है 35/4। ये कटा, ये 2 था, ये 11 था, 385/2 विच इज़ वॉट 192.5 cm². ये बच्चा लोग इसका क्या हो गया, ये इसका CSA हो गया, खत्म। चलो क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर लो। अच्छा कैलकुलेट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट जैसी नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा था क्वेश्चन में। चलिए ग्रेट बेटा, अब यहाँ का सेशन आज अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन लोग दो फिगर्स एक साथ देखेंगे बेटा, कौन से सर, एक स्फीयर और एक हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए बाय गाइस।